नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। चाघाट थाना क्षेत्र के यूपी बॉर्डर के समीप गुरुवार की सुबह 30 वर्षीय युवक का शव पड़ा देखा गया। प्रथम दृष्टया तो लोगों को ये लगा कि सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई है, लेकिन जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करने के लिए शव को पलटाया तो युवक के सीने में 2 गोलियां लगने के निशान मिले हैं। हत्या की जानकारी लगते ही स्थानीय पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को जांच दी, जिसके बाद मौके पर FSL टीम को भेजा गया और युवक की पहचान का प्रयास किया गया तो कुछ ही समय बाद युवक की पहचान राकेश आदिवासी निवासी रायपुर सोनारी के रूप में हो गई। वहीं पूरी घटना के संबंध में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने बताया कि युवक अपने दोस्तों के साथ देखा गया था, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं अलग अलग टीमें संदेहों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही हत्या का खुलासा भी कर दिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं उक्त हत्या के मामले में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने क्या कहा। चारघाट थाना क्षेत्र के पास यूपी बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर पहले न्याय के पास में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, जिसको देख कर किसी व्यक्ति के द्वारा 100 डायल को फोन किया गया। सुबह 100 डायल के जब पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुँचते हैं तो वो जैकेट पहने हुए था। पहले अंदेशा था कि वो एक्सीडेंट हुआ है। जब उसको शव का परीक्षण किया गया तो निकल के आया उसको 2 गोलियाँ लगी हुई हैं, और जिसके कारण से उसकी मौत संभावित है। पुलिस के द्वारा मौके की कार्रवाई की जा रही है। हमारी FSL टीम SDOP सीनियर अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँच गए हैं। व्यक्ति की पहचान हो गई है। उस व्यक्ति का नाम है कल्लू उर्फ राकेश, आदिवासी 30 वर्ष का है और ये रायपुर सोनारी का रहने वाला है। और इसके कुछ साथी थे जिनके साथ ये देखा गया था। पुलिस इस संबंध में पतासाजी कर रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।